दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो आपको लाइव मार्केट में बहुत ही यूज़फुल होता है। ये इंडिकेटर स्टॉक में भी काम करता है और इंडेक्स में भी काम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इसे यूज़ कर सकते हो और किसी भी स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हो। तो इंडिकेटर के बारे में बहुत ही पॉइंट पॉइंट में बताने वाली हूँ, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस और लाइव मार्केट एनालिसिस बताती रहती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं जैसे ही मार्केट में कोई अपडेट आता है मैं बताती रहती हूँ। कैंडलस्टिक एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, सारी की सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट देती रहती हूँ लाइव मार्केट में। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ मैंने और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर में जाना है आपको। इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे RSI आपको टाइप करना है, RSI जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो पहला वाला आपको इंडिकेटर मिलेगा यहाँ पे, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है इसलिए मैं फिर से सिलेक्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने लगा के रखा है RSI। तो RSI के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ, किस तरह से आपको RSI को यूज़ करना है, किस तरह से RSI को यूज़ करके आपको प्रॉफिट कमाना है मार्केट में, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। ये देखिए दोस्तों RSI मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब RSI की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम RSI में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे RSI की सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टाइल में आ जाइए। RSI की स्टाइल में, RSI की स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे RSI अपर बैंड जो है उसे आपको 60 कर लेना है और RSI मिडल बैंड को 50 रखना है और RSI लोअर बैंड को आपको 40 कर लेना है। 60-40 का आपको बैंड रखना है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपका बैंड रेडी हो जाएगा RSI का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन आपको दिख यहाँ पे, इस जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये जो 60 और 40 के बीच में जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। RSI अगर आप यूज़ करते हो तो ये बात आपको याद रखनी है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गई RSI की सेटिंग पूरी की पूरी रेडी। जब भी ये जोन में मार्केट आएगा आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये जोन के ऊपर जाएगा तभी आपको ट्रेडिंग करनी है या ये जोन के नीचे जाएगा तभी आपको ट्रेडिंग करनी है। इन द सेंस आपको यहाँ पर 60 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आपको ट्रेड लेना है और जब 40 के नीचे मार्केट जाएगा तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट 60 के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने के बाद जैसे जितना भी ऊपर जाए यहाँ पे 80 के जोन तक जब तक नहीं आ जाता तब तक मार्केट ओवरब्रॉड जोन में नहीं जाएगा। 80 और 60 के बीच में जब तक मार्केट रहेगा ये ओवरब्रॉड जोन में नहीं जाएगा। 80 के ऊपर अगर चला जाता है मार्केट तो ये ओवरब्रॉड जोन हो जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो 40 के नीचे आने के बाद यहाँ पे जब तक ये 20 के नीचे नहीं सस्टेन करने लग जाता तब तक ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाता है। हम इसे ओवरसोल्ड जोन में नहीं मान सकते जब तक ये 20 के आसपास या 20 के नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब ये इसकी डाइवर्जेशन के बारे में बता देती हूँ दोस्तों, RSI डाइवर्जेशन कैसे वर्क करता है। देखिए आपको मार्केट में वेट करना है, आपने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन था, बराबर है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ 40 के नीचे आया आपने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या बोल रहा है, RSI क्या बोल रहा है, अप ट्रेंड में देख रहा है। और ये क्या बोल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या बोल रही है, साइडवेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, RSI ये बोल रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ और मार्केट बोल रही है मैं साइडवेज हूँ। तो यहाँ पे हमें RSI की बात सुननी है, RSI को देखना है, RSI क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मार्केट हमें साइडवेज दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स बटन बना लेते हैं, बॉक्स बटन बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइडवेज मार्केट है ये। ये देखिए यहाँ पर हम छोटा सा बॉक्स बटन बना लेते हैं, ये बॉक्स बटन हो गया। ठीक है,
इस तरह से। तो अब हमें दिख रहा है ये साइडवेज मार्केट है टोटली। तो RSI बोल रहा है मैं अप ट्रेंड में हूँ, और ये मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बोल रही है कि मैं साइडवेज हूँ। तो जैसे ही RSI ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। जैसे ही कैंडलस्टिक ने बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हो चुका है 1:2 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना हमने टारगेट यहाँ पे अचीव किया, हम देख लेते हैं। ये देखिए 73 पॉइंट्स यहाँ पे हमें अचीव हो चुके हैं। तो ऐसे ही RSI डाइवर्जन वर्क करता है दोस्तों लाइव मार्केट में। उससे भी बड़ा टारगेट हमें RSI के इंडिकेट करने के बाद मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट ने हमें टारगेट दिया है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो हम तो 1:2 का टारगेट लगा के प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। तो इस तरह से RSI डाइवर्जेशन वर्क करता है लाइव मार्केट। अब देखिए अभी यहाँ पे आपको पहचाना क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है और RSI का ट्रेंड क्या बोल रहा है, ये आपको पहचाना है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज बोल रहा था, लेकिन RSI हमें दिखा रहा था अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल दिखा देते दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर हो गया साइडवेज। साइडवेज होने के बाद हमें क्या लगेगा, यहाँ से और नीचे गिरेगा। जब साइडवेज हुआ तब हमें क्या लगेगा यहाँ पे कि यहाँ से और मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि नेक्स्ट मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो ये हमें बताता है RSI। ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, RSI भी नीचे आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, ये जोन में मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे, लेकिन RSI साइडवेज नहीं है, RSI तो अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट तो साइडवेज दिखा रहा है लेकिन RSI साइडवेज नहीं है। तो RSI क्या बता रहा है, यहाँ से हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए इंडिकेटर का काम होता है हमें इंडिकेट करना, हमें इंडिकेशन देना कि अब मैं किस मोमेंट में जाने वाला हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो RSI में क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं अप ट्रेंड में जाने वाला हूँ, और यहाँ पर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, साइडवेज। तो जो RSI इंडिकेट कर रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। RSI अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना लीजिए आप। बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही बॉक्स पैटर्न ब्रेक हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, 1:2 का टारगेट लेके निकल सकते थे, सिंपल। समझ गए आप, इस तरह से RSI इंडिकेटर वर्क करता है। आपको इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको इसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, तब भी आप इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आप सिर्फ वीडियोज़ देख के और सिर्फ एक दो वीडियोज़ देख लिया आपको लगेगा हाँ मैंने सीख लिया, ऐसे नहीं होता है। आपको लर्निंग चालू रखनी पड़ेगी, जो भी आपको सीखने को मिलता है आप सीखिए। आप सीखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, किस तरह से उसे फॉलो करना है, किस तरह से उसके रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, लाइव मार्केट में एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइव मार्केट में एनालिसिस करने के लिए आ जाइए टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट एनालिसिस बताते रहती हूँ आपको। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे लाइव मार्केट एनालिसिस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है RSI, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, RSI भी अप ट्रेंड में है, ओके, दोनों भी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, RSI साइडवेज है, यहाँ पे RSI डाउन ट्रेंड में जा रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं आपको? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे साइडवेज है पूरा। आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है पूरा साइडवेज है, और यहाँ पे RSI क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो इसे ही RSI डाइवर्जन बोलते हैं दोस्तों। हमें देखना है मार्केट का मूवमेंट क्या है और RSI का मूवमेंट क्या है, इस बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जो RSI बोल रहा है वो बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे RSI डाउन ट्रेंड में जा रहा था, मतलब RSI क्या बोल रहा है, मैं अब नीचे जा रहा हूँ, मुझे अब नीचे जाना है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि अब मार्केट नीचे गिरेगी, ये इंडिकेट कर रहा है ना RSI। तो हमें क्या करना है, RSI को फॉलो करना है।
जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा, साइडवेज जोन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है देखना है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लगा सकते थे 1:2 का, ख़त्म हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट लेना आना चाहिए, प्रॉफिट लेना सीखिए आप। जब तक आप प्रॉफिट लेना सीखेंगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे मार्केट में। ये मार्केट सबके लिए नहीं है, ये मार्केट उसी के लिए जो मार्केट के रूल्स को फॉलो करता है, ये मार्केट उसी के लिए जो कुछ सीखता है, कुछ सीख के उसे फॉलो करता है, ठीक है। अब और एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे बनाना अच्छी भी नहीं लगती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरएसआई क्या बोल रहा है, मैं साइडवेज हूँ, मैं अप ट्रेंड में नहीं जा रहा हूँ, मैं साइडवेज हूँ। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं सुनना है, हमें सुनना है आरएसआई का, आरएसआई क्या बोल रहा है, मैं साइडवेज हूँ। जब तक आरएसआई साइडवेज रहेगा, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही आरएसआई यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद अगर मार्केट मार्केट भी अप ट्रेंड में है, आरएसआई भी अप ट्रेंड में है, हाँ तो सही है, ठीक है, सही चल रहा है। यहाँ पे आरएसआई साइडवेज है और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यही डाइवर्जेशन होता है आरएसआई का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ पे, और आरएसआई क्या बता रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड बता रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आरएसआई चाहता है डाउन ट्रेंड में जाने के लिए और मार्केट अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो आखिर में मार्केट गया कहाँ पे, आखिर में मार्केट डाउन ट्रेंड ही गया। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, मार्केट डाउन में ही आया है। तो आरएसआई को फॉलो करने के लिए आरएसआई के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, आरएसआई के रूल्स को भी आपको फॉलो करना है। जब तक आरएसआई इंडिकेट ना करे, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, बैठे रहो मार्केट में जब तक आरएसआई कोई ट्रेड ना बताए आपको, ठीक है। और नो ट्रेडिंग में जोन में तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है आरएसआई आपको रोज़ ट्रेड बताए, रोज़ ट्रेड ना भी दे आरएसआई आपको, आपको दो दिन में 3 दिन में एक बार ट्रेड मिले, लेकिन अच्छा ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, अच्छा प्रॉफिट लेके निकलो, ठीक है। रोज़ अगर आप इंडेक्स में वर्क कर रहे हो, तो रोज़ इंडेक्स में तो प्रॉफिट होता भी नहीं है, आपको रोज़ इंडेक्स में वर्क करना भी नहीं चाहिए। जब मौका मिले तब आपको वर्क करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो मार्केट से, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको रोज़ ट्रेड नहीं लेना है इंडेक्स में। जब आपको कोई इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेट दे, तभी आपको ट्रेड लेना है। जब आपको कोई मार्केट में चार्ट पैटर्न दिखे, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तब आपको ट्रेड लेना है। तब तक आपको वेट करना है मार्केट में, सिंपल सी बात है। इंडेक्स में आप रोज़ मत खेलिए, स्टॉक में भी आप आरएसआई को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही 60 को क्रॉस किया आरएसआई ने, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 60 को क्रॉस किया आरएसआई ने, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो स्टॉक में, और यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के। आप अपना दिमाग लगा के जब तक स्टॉक मार्केट में नहीं ये करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका लॉस ही होने वाला है। आप सोचोगे कि मैं 10,000 लगा के 1,00,000 रुपया कमा के निकलूँगा एक ही दिन में, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप 10,000 लगा के 1,00,000 रुपया एक दिन में नहीं कमा सकते, ठीक है। वो रेयर केस में होता है, जो जहाँ पे अगर आपका लक काम कर जाए तो हो जाएगा, मोस्टली तो नहीं होता है। आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो आपका टारगेट सिर्फ 1,000 या 2,000 का ही होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। और रोज़ तो आपको इंडेक्स में काम ही नहीं करना है, स्टॉक में आप कर सकते हो। स्टॉक में आप जो स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है वो स्टॉक में आप कर सकते हो, आरएसआई की हेल्प ले सकते हो। जैसे आरएसआई ने 60 क्रॉस किया, आप यहाँ पे ट्रेड ले लो और स्विंग ट्रेडिंग करके फिर आप प्रॉफिट लेके निकलो, ठीक है। इंट्राडे में भी आप वर्क कर सकते हो आरएसआई की मदद से स्टॉक में। जैसे आरएसआई ने यहाँ पे देखे, यहाँ पे 40 को क्रॉस किया, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करो, शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट लेके निकलो। इंट्राडे में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आरएसआई वर्क करता है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नो ट्रेडिंग जोन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जब तक आरएसआई 60 और 40 का जो लेवल है वो ब्रेक ना कर दे। तो यही था वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल एनालिसिस आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है सीखने के लिए, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।